मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ। ये मेरी नवासी को बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मुझे गोभी का पराठा बना के दें। तो मैंने गोभी जो है वो मैश करके रख ली है, और इसमें ताज़ा धनिया डाला है और हरी मिर्ची डाली है। तो ये मैं इसके लिए पराठा बना रही हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसमें मैं पहले थोड़ा घी लगाऊंगी, तो ये मैंने पेड़े के अंदर घी लगा लिया। अब इसमें गोभी जो मैश की हुई है वो डालूंगी। तो ये बहुत मज़ेदार पराठा बनता है। अगर आपने रात को गोभी पकाई थी और आपकी बची हुई पड़ी हुई है, तो उसमें ताज़ा धनिया और हरी मिर्चें डाल लें, तो पराठा बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। तो ये एक पूरा मील है, जिन जिन लोगों को पसंद है बनाएं, खाएं और खिलाएं। तो ये मौसम की चीज़ें होती हैं, बनानी चाहिए। अगर बच्चों को पसंद है उनको बना के दें, अगर आपको खुद पसंद है तो आप अपने लिए भी बनाएं, बहुत आसान है। इसमें घी लगा लिया पराठे, इसमें देखें इधर पराठा तैयार हो गया। और ये मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये गोभी का पराठा जो है ना, आप इस तरह बना सकते हैं। इसको मैं ज़रा कड़क कर रही हूँ, क्योंकि इसको कड़क पसंद है, तो इसलिए मैं इसको कड़क कर रही हूँ। ये देखें, ये दूसरी साइड, ये